गेहूं के आटे और चने की दाल से बना स्वादिष्ट नाश्ता। ये नाश्ता इतना स्वादिष्ट लगता है कि इसमें कचौरी और मोमोज दोनों का ही स्वाद आता है। बहुत ही अच्छा नाश्ता बनकर के तैयार होने वाला है। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कटोरी चने की दाल को 2 से 3 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। 2 से 3 घंटे के बाद में इसे छलनी में डाल देंगे और छलनी में डालकर इसका पूरा पानी निकाल देंगे। इसके बाद एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे, उसमें चने की दाल और 2 से 3 हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, 10 से 15 कलियां लहसुन की डाल देंगे। अगर आपको इसमें अदरक भी ऐड करना है तो अदरक भी ऐड कर सकते हैं। इसे पीस करके तैयार कर लेंगे। इसे पीसने में हमें 2 से 3 चम्मच पानी की लगेंगी और ये मिक्सर पीस करके तैयार हो जाएगा। अब एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डाल करके गरम करेंगे। जैसे ही तेल गरम होगा उसमें जीरा डाल देंगे और जो हमने पीस करके मसाला तैयार किया है उसको इसी में डालकर थोड़ा सा चला लेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेसन, 1 चम्मच के लगभग बेसन डालना है जिससे इसमें अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। नमक डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से चला लेंगे जिससे कि ये सारा बैटर एक हो जाएगा और पैन को छोड़ने लग जाए। तब गैस को बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें। जब तक ये ठंडा होके तैयार होता है तब तक हम आटा लगा करके तैयार कर लेंगे। इसे एक बार अच्छे से चला दें जिससे कि ये कढ़ाई में चिपकेगा नहीं। अब 2 कटोरी लेंगे गेहूं का आटा। ये रेसिपी हमें टोटली गेहूं के आटे से ही बनाकर तैयार करनी है। और अब डाल देंगे 1 चम्मच के लगभग नमक और 1 से 1.5 चम्मच रिफाइंड ऑयल। इसे डाल करके पानी डालकर आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। पानी हमें थोड़ा थोड़ा डालना है, आवश्यकता अनुसार पानी और ले लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक डो लगा करके तैयार कर लेंगे और अच्छे से मसल मसल करके इसको चिकना कर लेंगे। अब आटा लग करके तैयार हो चुका है तो इसकी लेंगे हम छोटी छोटी लोइयां, जैसे पूरी बनाते हैं उससे थोड़ी सी छोटी लोइयां ले लेंगे। इसी प्रकार सारी लोइयां हम सेम आकार में बना करके तैयार कर लेंगे। और एक एक करके सभी लोइयां बना करके मैंने तैयार कर ली हैं। इसमें मैंने 10 से 12 लोइयां बना करके तैयार की थी। अब इसको बेल करके तैयार करेंगे। लोइयां बेलते वक्त हमें पूरी जितनी ही बेल कर तैयार करनी है, इन्हें बिल्कुल भी बड़ी या फिर मोटी नहीं रखनी है। सभी पूड़ियां एक साथ बेल करके तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हमें पूड़ियां ही बेल कर तैयार करनी है। जब सभी पूड़ियां मिल करके तैयार हो जाएंगी तो जो हमने मिक्सर तैयार किया था वो भी अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो इसे एक बार करछी की मदद से अच्छे से चला लेंगे जिससे कि ये अलग अलग हो जाए। फिर हाथ की मदद से या चम्मच से इसे उठा करके एक पूड़ी लेंगे और पूड़ी के अंदर रख करके इसे चारों तरफ से बंद कर देंगे। जिस प्रकार हम गुजिया बनाते हैं उसी तरह से सभी पूड़ियों में ये मसाला एक एक करके भरते जाएंगे। ये देखिए जिस प्रकार मैंने दूसरी पूड़ी में मसाला भरा है, इसमें हमें पानी लगाने की भी जरूरत नहीं होगी। हाथ से ही इसे अच्छे से दबा करके बंद कर देंगे तो ये पूड़ियाँ अच्छे से पैक हो जाएंगी। इसी प्रकार सभी पूड़ियों में मसाला भर करके तैयार कर लेंगे। जब इस सभी पूड़ियों में मसाला भर करके तैयार हो जाएगा तो उसी कढ़ाई में हम ले लेंगे 1 लीटर के लगभग पानी और पानी को गर्म होने देंगे। जैसे ही पानी गर्म होगा उसमें 1 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल डालने के बाद जो हमने पूड़ियों में मसाला भर करके तैयार किया था उन सभी पूड़ियों को इसमें रख देंगे और इन्हें अच्छे से बॉईल होने देंगे। इन्हें उबालते वक्त हमें 2 से 3 मिनट के लिए इन्हें बॉईल करके तैयार करना है। जब बॉईल हो रही है तो इन्हें अलट पलट करके अच्छे से दोनों तरफ से पकाकर तैयार करना है। आप इसे लीड लगा करके भी पका सकते हैं जिससे कि आपको अलटना पलटना ना पड़े। ये देखिए अच्छे से पक करके तैयार हो गई है। तो अब लोइयां अच्छे से पक कर तैयार हो गई तो इन्हें एक थाली में निकाल लेंगे जिससे कि जो इनमें पानी है वो पानी अच्छे से सूख जाएगा। पानी सूखता है तब तक हम फिर से कढ़ाई एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। जब अब की बार तेल लें तो तेल हमें 2 चम्मच के लगभग लेना है। इस वक्त हमें तेल की आवश्यकता थोड़ी ज्यादा होगी। तेल गरम होने देते हैं। जैसे ही तेल गरम होता है तब तक हम इन पूड़ियों को बीच में से कट करके तैयार कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से कट करके तैयार करेंगे और ये आसानी से कट जाएंगी। सभी पूड़ियों को एक एक करके इसी प्रकार से कट करके तैयार कर लेंगे। जब सारी कट होके तैयार हो जाएंगी और तेल भी हमारा गर्म हो चुका होगा, ये देखिए मैंने दूसरी ओर कट करके दिखा दी है, इसी प्रकार से कट करके तैयार करनी है। एक तरफ पूड़ियां कट करके तैयार कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका होगा। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच के लगभग काले तिल। तिल डालने से इनमें गार्निशिंग बहुत अच्छी आती है। इसी के साथ डाल देंगे 1 चम्मच के लगभग जीरा
और एक पिंच हींग। हींग डालने से इस नाश्ते की खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। इसे डालने के बाद में हम इसे चटकने देते हैं और फिर उसमें डाल देंगे। हमने जो भी पूड़ियाँ कट करके तैयार की थी उन सबको एक एक करके इसमें डालते जाएंगे और हल्के हाथ से इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। इस जगह अगर आप टोमेटो सॉस डालना चाहते हैं तो टोमेटो सॉस भी पहले डाल सकते हैं, अन्यथा थोड़ी देर बाद में डालेंगे तो ये दोनों तरफ से थोड़ी अच्छी सी क्रिस्पी हो जाएंगी, तो तब खाने का स्वाद और भी अच्छा आएगा। सभी पूड़ियाँ एक एक करके डाल देंगे। एक बार में जितनी कढ़ाई में आए उतनी डाल दें और इन्हें करछी की मदद से बिल्कुल हल्के हाथ से चलाना है। अगर आप इन्हें जल्दी जल्दी चलाएंगे तो इनके अंदर का जो भी मसाला है वो बाहर निकल जाएगा, तो हल्के हाथ से इन्हें थोड़ा थोड़ा चला देंगे। जब एक मिनट के लगभग हो जाए तो इसके बाद में इसमें थोड़ा सा टोमेटो सॉस डाल करके और ऊपर से हरा धनिया डाल करके गार्निशिंग करें, बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगी खाने में। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पेज पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट करके बताइएगा कि गेहूं के आटे से बना ये नाश्ता आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।